जी, हमारी वन बारामूला पीसी की काउंटिंग शुरू हो गई है एज़ पर ईसीआई मैंडेटेड टाइम। तो अगर मैं सुरक्षा के हालात से इंतजाम बताऊं तो जो हमारी पूरी काउंटिंग हॉल है जो हमारे जीडीसी बारामूला में है, तो इसमें 3-tier सिक्योरिटी लगा दी गई है। आपने देखा होगा आउटर लेयर में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान और अफसर्स, इनर रिंग में हमारे जेके आर्म पुलिस के, और जो इनर मोस्ट रिंग में हमारे जो सीएपीएफ के जवान हैं वो उस पर तैनाती हैं। साथ ही साथ हमारे टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो 18 डिफरेंट हॉल्स में साइमल्टेनियसली काउंटिंग चल रही है। एक सेपरेट हमारा पोस्टल बैलेट का हॉल है, वहाँ पे भी साइमल्टेनियसली काउंटिंग चल रही है। तो अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमारे सारे एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने मोर देन 1300 एजेंट्स को नॉमिनेट किया था पॉलिटिकल जो हमारी काउंटिंग प्रोसेस को देखने के लिए, तो वो भी नॉमिनेटेड है। वो भी पूरे सिस्टम का अरेंजमेंट का जायजा भी कर रहे हैं और पूरी प्रोसेस को व्यू भी कर रहे हैं। इस साल हम लोगों ने सीईओ साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सब की कल ट्रेनिंग भी रखी थी कि कैसे काउंटिंग प्रोसेस व्यू करना है, उनके क्या क्या उनको मतलब उनके ड्यूटीज़ हैं। तो इस बार हम यही होप करता हूँ कि क्योंकि ट्रेनिंग भी हुई है, काफ़ी सारे सेंसिटाइजेशन भी हुई है, तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होएगा, सिंस काउंटिंग एजेंट्स को भी बताया गया कि उनको क्या क्या काम है। देखिए, जो MCC जो होता है वो 6 जून तक है, तो अगर किसी को भी कोई सेलिब्रेशन करना है, कुछ करना है, तो उसको परमिशन लेके करना है, जैसे कि नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस का होता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो जी जो आपको ट्रेंड्स है वो सेंट्रल, नहीं नहीं, आपके आपके जो ट्रेंड्स है ना वो जब एक राउंड खत्म होता है तभी ट्रेंड्स आते हैं। तो जैसे अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, जैसे फर्स्ट राउंड खत्म होगा आपको ट्रेंड्स यहाँ डायरेक्टली आप मिल जाएंगे। नहीं, वो राउंड के हिसाब से है, तो पहले एक दो राउंड में थोड़ी स्पीड कम होती है क्योंकि स्टाफ यूज टू होता है। तो जैसे पहले राउंड के पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट्स आएंगे आपको DIO साहब के थ्रू दे दिए जाएंगे।